इस बात में चल रहा है। नई वीडियो में हम सीखेंगे कि यूटीआई सीएससी जो पैन कार्ड बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, ये टू जेड जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं सीएससी पोर्टल को। यूजर आईडी पासवर्ड कैसा फिल करेंगे, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे हमारा डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। हम चले जाएंगे सर्विस में, ये हो गया हमारा सर्विस। सर्विस में सर्च करेंगे पैन। जैसे ही पैन सर्च करेंगे, इसमें एनएचडीएल का भी है तो एनएचडीएल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यूटीआई के बारे में पूरा प्रोसेस जानकारी देंगे, कैसे फॉर्म रहता है, कैसे अपलोड किया जाता है। तो ये देखिए यूटीआई पैन सर्विस है, इसमें दो ऑप्शन है, एक यहाँ अपलोड करने का है और एक यहाँ यूटीआई पैन सर्विस आधार ऑनलाइन है। तो हम इसी पर क्लिक करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे क्लिक कर लेंगे। फिर क्लिक है टू लॉगिन कर लेंगे। तो हमारा जो ईमेल और मोबाइल इसमें रजिस्टर होगा, इस पर एक ओटीपी जाएगा ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए। तो देख लेते हैं ओटीपी। जैसे ओटीपी आता है फिल करके आएगा, प्रोसेस दिखाते हैं। तो देखिए हमारे मेल पर ओटीपी आया हुआ है, तो मेल पर ओटीपी है 76 77 42। तो हम फिल कर देते हैं 76 77 42, इसका सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद कभी कभी पॉपअप खुल जाता है यहाँ आपका प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, तो वहाँ प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे और पैन कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन जो है 3 महीने के अंदर का हम अपलोड कर देंगे। यहाँ देखें सिंध दे रहा है लास्ट डेट ऑफ द अपलोडिंग, आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आप अप टू 31/10/2021 तक लग अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी सेवा बंद हो सकती है। तो यहाँ से उसको क्लोज करते हैं। कुछ लेंगे अप्लाई न्यू पैन पर अप्लीकेशन फॉर न्यू अप्लीकेशन पर क्लिक कर लेंगे, ओके कर लेंगे। फिर यहाँ से फिजिकल मोड पर बनाएंगे हम, यहाँ से जो भी होगा आप सेट कर लेंगे, इंडिविजुअल सेट कर लेते हैं। फिर यहाँ NRI वगैरह नहीं है तो हम नो कर देते हैं। फिर यहाँ से हमको बहुत पुराना है कि फिजिक कार्ड भी मिले और ईमेल पर भी आए, तो इस पर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। हमारा ये देखिए पेज पहला खुल गया, हमें टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसमें नाम फिल कर देंगे, इसमें आप चाहे तो पूरा नाम लिखते हैं या फर्स्ट मिडिल लास्ट भी नेम लिख सकते हैं, पर कोई दूसरा नाम लिखते हैं नहीं तो नो कर देंगे। फिर जो जेंडर ऑटोमेटिक ले लेगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाए, माइनर केस है तो आज माइनर के बारे में बात कर लेंगे। फिर यहाँ से रेसिडेंट भी सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद जो राज्य होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ऑफिस एड्रेस है और रेसिडेंट एड्रेस है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर आधार नंबर फिल कर लेंगे, जो आधार नाम है वहाँ लिख लेंगे। तो फिर हम फिल करके नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो हमने अगर फिल कर लिया, अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो भी डाटा फिल करेंगे आधार पर जो जो रहेगा वहीं फिल करेंगे, उससे थोड़ा भी मिसमैच होगा तो फिर आपका समस्या कर सकता है। यहाँ से आप आधार तीनों सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद मैं पेमेंट पर करेंगे तो पेज का आ जाएगा। इसमें ट्रांजेक्शन लॉग इन पासवर्ड डालेंगे, ट्रांजेक्शन पासवर्ड देखिए हमारा आधार से वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया। हम मैसेज आएगा कि आधार नॉट मैचिंग यूजिंग डेमोग्राफिक टेल लिंक, इस पैन में लिंक हो जाएगा। तो कंट्री इंडिया रहेगा, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दें। फिर मोबाइल नंबर लिख देंगे, फिर यहाँ ईमेल लिख देंगे, तो मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं।
अब यहाँ देखिए, अगर माता का नाम लिखना होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर टिक लगा देंगे। फिर पिता का नाम, फिर नेक्स कर देंगे, फिर यहाँ पूरा पता भर देंगे, जैसे नाम, गांव का नाम हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, तहसील हो गया, या जिला भी सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी जिला होगा जिला सेलेक्ट कर लेंगे, फिर फिल कर देंगे, बायोडाटा फिल करके फिर पहले दिखाते हैं। एक चीज़ ध्यान दें कि जो ब्लॉक फ्लोर फ्लैट डोर या ब्लॉक नंबर है इसमें आप नाम और पिता का नाम दोनों लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, खोजने में से दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए हो गया, इसका अभी सेलेक्ट एड्रेस को छोड़ देंगे। फिर यहाँ इनकम का स्रोत क्या है, हम करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर और देखिए ऑटोमेटिक ले लिया। अभी हाँ इसको भी छोड़ देंगे, ये अगर माइनर रहेंगे तो इस स्थिति में इसको फिल करना अनिवार्य, नहीं तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। हम वेरिफिकेशन स्थान ले लेते हैं, और इसमें हिमसेल्फ या हेयर सेल्फ सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर मैच करते हैं, फिर डाटा चाहे तब चेक कर सकते हैं, चाहे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एडिट डिटेल दिखाने लगेगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे, फिर स्कैन करने का प्रोसेस दिखाते हैं आगे कैसे स्कैन किया जाता है। हमारा डाटा डाउनलोड हो गया है, हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, फोटो लगाकर सिग्नेचर करवा करके फिर स्कैन करके कैसे किया जाता है, फिर कैसे अपलोड किया जाता है, इसका प्रोसेस अब देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट है फ़ोटो को हम स्कैन करेंगे 300 DPI पर, 300 पहले प्रीव्यू कर लेते हैं। जितना फोटो है उतना स्कैन कर लेंगे फोटो को, ये हमारा फोटो हो गया। अब फार्म का पहला पेज, दूसरा पेज और आधार कार्ड, तीनों को हम 200 DPI पे स्कैन करेंगे। ये जो रेगुलेशन DPI है 200 से स्कैन कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। अब यहाँ देखिए हम सिग्नेचर को स्कैन करेंगे, सिग्नेचर को हम यहाँ से क्रॉप कर लेंगे जितना को लेना है, प्रीव्यू करके प्रीव्यू के समय चाहे कोई भी रेगुलेशन आप रख लें उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन जब स्कैन करने लगेंगे तो इसको ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे, इसको कर देंगे 600 DPI। अब ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देंगे, इस कम करेंगे तो थोड़ा सा गाढ़ा आएगा, अच्छा पेन कार्ड दिखेगा, इसलिए थोड़ा ब्राइटनेस कम करके तब फिर स्कैन करेंगे। स्कैन कर देंगे तो देख रहे हैं हमारा जो पोर्टल है लॉग आउट हो चुका है, तो फिर हम लॉगिन कर लेते हैं जब तक ये स्कैन हो रहा है। तो ये देखिए हमने सक्सेसफुल लॉगिन कर लिया है। अब हम वेबसाइट का उपयोग करेंगे अपने PDF, तीनों PDF पेज है उसको कंबाइन करने के लिए, मतलब एक में जोड़ने के लिए। तो combinepdf.com पर सर्च करेंगे, उसके बाद जो दूसरी वेबसाइट है combinepdf.com उसको खोल लेंगे। तो यहाँ से अपलोड फाइल कर लेंगे, जो हमारा फाइल रहेगा तो तीनों को हम अपलोड कर देंगे। जब तक अपलोड होता है तो एक चीज़ बता दें कि फ़ोटो का रिसाइज जो करना है इसे बायां बटन क्लिक करेंगे, फिर एडिट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ रिसाइज पर क्लिक करके पिक्सल वाले क्लिक करेंगे, फिर चेक मार्क हटा देंगे, इसको कर देंगे 213, फिर नीचे वाले में भी 213, फिर इसको ओके कर लेंगे, हमारा फ़ोटो का रिसाइज हो गया, ये हमारा अपलोड हो रहा है। तब तो हम वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो हमारा देखिए बकायदे डाउनलोड हो गया है, इसको कंबाइंड डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करके एक फाइल में के कंबाइंड फाइल को और सिग्नेचर फोटो को रख लेते हैं, रख कर स्टेप बाई स्टेप। अब आते हैं मेन पेज पर, इसी फिर चले जाते हैं न्यू अप्लाई पेन पर, फिर इसमें चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर आएंगे, यहाँ फिर अपलोड वाले पर क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ से अपलोड कर लेंगे।
देखिए फाइल प्रोसेस अपलोड कर लिया, फिर अपलोड पर क्लिक कर दीजिए हमारा।